हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूटोपियन एंड डाइस्टोपियन नॉवेल्स। यूटोपियन और डाइस्टोपियन नॉवेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से नॉवेल्स हैं जो यूटोपियन और डाइस्टोपियन नॉवेल्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, डाइस्टोपियन फिक्शन इज़ ए जेनरे ऑफ लिटरेचर डेट एक्सप्लोर्स सोशल एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जो डाइस्टोपियन एक फिक्शन है, एक जेनरे है लिटरेचर का, नोवेल का जो एक पार्ट है ये डाइस्टोपियन, ये एक्सप्लोर करता है सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, ये कि समाज का क्या स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल का क्या स्ट्रक्चर्स है वो हमें दिखाता है। और जो द यूटोपियन फिक्शन जो हैं, ऑन द अदर हैंड इज़ द क्रिएशन ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड और यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब ही होता है एक आइडियल वर्ल्ड। जो यूटोपियन फिक्शन है उसमें क्रिएशन दिखाई जाती है एक आइडियल वर्ल्ड की, जहाँ पर सब सही होता है, जहाँ पर सब अच्छा होता है। एज अ सेटिंग फॉर ए नॉवल, मतलब जो नॉवल की सेटिंग होती है वो यूटोपिया में होती है, एक ऐसे वर्ल्ड में होती है जहाँ पर कोई गलत काम होता ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा होता है। और डाइस्टोपियन नॉवल की जो सेटिंग होती है वो एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ पर कि कोई लॉ, कोई ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पर कि जो मतलब एक तरह से बहुत ही जो अनप्लीजर वर्ल्ड होता है वो डाइस्टोपियन होता है। द डाइस्टोपियन फिक्शन इज़ द अपोजिट। और डाइस्टोपियन फिक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। जैसे हमने पढ़ा यूटोपियन फिक्शन में तो एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया जाता है, एक आइडियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, लेकिन जो डाइस्टोपियन फिक्शन है उसमें क्रिएशन ऑफ ए नाइटमेयर वर्ल्ड, एक नाइटमेयर, एक बुरे सपने की तरह का जो संसार होता है उसको दिखा देते हैं, वो डाइस्टोपिया, जिसको हम डाइस्टोपिया कहते हैं। मैनी नॉवेल्स कम्बाइंस बोथ, बहुत से नॉवेल्स में जो है आपको दोनों देखने को मिलेंगे, यूटोपिया भी और डाइस्टोपिया भी, दोनों वर्ड देखने को मिलेंगे। ऑफन एज ए मेटाफर फॉर द डिफरेंट डायरेक्शंस ह्यूमैनिटी कैन टेक इन इट्स चॉइस एंडिंग अप विद वन ऑफ टू पॉसिबल फ्यूचर्स, यानी कि एक मेटाफर की तरह होते हैं और इनमें जो है डिफरेंट डायरेक्शन दिखाई जाती है और ह्यूमैनिटी जो है अपनी चॉइस से चूज़ कर सकती है कि उसे किस तरफ जाना है, किस तरह जो है इस नॉवल को उसे एंड करना है। टू पॉसिबल फ्यूचर्स उसको दिखाए जाते हैं, डाइस्टोपियन में एक यूटोपियन, तो उसको जो है खुद ही चूज़ करना है। बोथ यूटोपियन एंड डाइस्टोपियस आर कॉमनली फाउंड इन साइंस फिक्शन। और जो ये दोनों है, यूटोपियस भी और डाइस्टोपियस भी, ये दोनों आपको साइंस फिक्शन में देखने को मिलेंगे। एंड अदर एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन जेनरे, या फिर जो दूसरे स्पेक्टिकुलर फिक्शन जेनरे होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो है साइंस फिक्शन में आपको देखने को मिलता है यूटोपिया और डाइस्टोपिया, क्योंकि साइंस फिक्शन में ही जो है नए नए वर्ल्ड की डिस्कवरी की जाती है, नए नए वर्ल्ड को जो है खोजा जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि यह वर्ल्ड किस तरह का है। तो यूटोपियन और डाइस्टोपियन नॉवेल जो दोनों हैं आपको साइंस फिक्शन में मिलेंगे। चलिए देखते हैं डाइस्टोपियन नॉवेल के बारे में, पहले देख लेते हैं। डाइस्टोपियन इज़ डिफाइंड एज ए सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, स्क्वैलर और ओप्रेशन। मतलब डाइस्टोपिया जो है एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, स्क्वैलर यानी गंदगी होती है, और ऑप्रेशन और क्या होता है, अत्याचार होता है। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को दबा कर रखते हैं। मोस्ट ऑथर्स ऑफ डाइस्टोपियन फिक्शन एक्सप्लोर एटलीस्ट वन रीज़न वाई थिंग्स आर डैट वे। और बहुत से जो ऑथर्स हैं डाइस्टोपियन फिक्शन के, वो जो है एक्सप्लोर करते हैं एक कम से कम एक रीज़न, जिससे हमें पता चल सके कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। सैमुअल बटलर्स का जो है एक नॉवेल है एरावोन, कैन बी सीन एज ए डाइस्टोपिया। इसको जो है हम डाइस्टोपिया कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द वे, क्योंकि इसमें क्या दिखाया है कि जो सिख पीपल है आर पनिश्ड, उनको पनिशमेंट दी जाती है एस और क्रिमिनल वाइल थीव्स आर क्रूएल। ओ, सिख पीपल आर पनिश्ड एज क्रिमिनल, जैसे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है ऐसे ही जो है उस वर्ल्ड में सिख पीपल को पनिशमेंट दी जाती है, जबकि जो थीव्स हैं और जो क्रूएल होते हैं उनको जो है हॉस्पिटल्स में उनका क्योर किया जाता है, उनको जो है मतलब उन क्योर उनको इनका इलाज किया जाता है, यानी कि जो चोर डाकू होते हैं उनको तो इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में ला के, लेकिन जो सिख पीपल होते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है उनको पनिश किया जाता है। तो ये जो है एक नॉवेल में दिखाया गया है कि डाइस्टोपियन नॉवेल है, विच द इनहेबिटेंट्स ऑफ एरावोन सी एज नेचुरल एंड राइट। और जो एरावोन जो एक सोसाइटी दिखाई गई है, वहाँ की एक शहर वो दिखाया गया है, तो उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं यानी कि जो उसके उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए नेचुरल और राइट है जो वो कर रहे हैं,
यानी कि बीमार लोगों को पनिश करना उनके लिए नेचुरल है और राइट है। जो ये नॉवेल है एरागॉन, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये बनेगा नोवेयर, NOWHER, यानी कि नोवेयर, कहीं भी नहीं। उसके बाद जो है एल्डोस हक्सली का एक नॉवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसे मोर सबटल एंड मोर थ्रेटनिंग डायस्टोपिया, ये बहुत ज़्यादा जो सबटल और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग डायस्टोपिया है, बिकॉज ही प्रोजेक्ट इनटू द ईयर 2540 इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस, क्योंकि उन्होंने जो दिखाया है वो दिखाया है 2540 का जो साल है, जैसे अभी 2022 चल रहा है लेकिन उन्होंने 2540 की जो इशू है वो दिखाई है, और उसमें क्या इंडस्ट्रियल और क्या सोशल चेंज आ जाएंगे वो सब उन्होंने दिखाया है। ही परसीव्ड इन 1931 लीडिंग टू ए फैसिस्ट हायरार्की ऑफ सोसाइटी, उन्होंने जो है 1931 में ये लिखा था और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से जो वर्ल्ड है वो लीड करेगा एक फैसिस्ट के रूप में, यानी कि अत्याचारी के रूप में, हायरार्की आगे देखने को मिलेगी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की जो ऊंच नीच है, इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल बाय एक्सप्लॉइटिंग ए स्लेव क्लास, जो इंडस्ट्रियली है, जो इंडस्ट्रियल लोग है वो सक्सेसफुल बनेंगे और वो जो एक्सप्लॉइट करेंगे जो स्लेव क्लास है, यानी कि जो स्लेव होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो एक तरह से दास होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट वो करेंगे, उनको वो दुखी करेंगे, तंग करेंगे उनको, कंडीशन एंड रंग्ड टू ओबे एंड एन्जॉय देयर सर्विट्यूड, और जो स्लेव क्लास है उनको जो है ये अच्छा भी लगेगा, यानी कि ओबे करना जो है दूसरे उनकी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो उनकी जो है ओबे करेंगे और उनके लिए यही जो है बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, और वो इसको एन्जॉय करेंगे, अपनी जो सर्विट्यूड है उनकी, जो एक तरह से ये सर्विट्यूड हुआ, ये जो उनका काम करना हुआ एक तरह से स्लेविंग जो उनकी हुई, उसको ये पसंद भी करेंगे, इन्जॉय करेंगे। तो मतलब बहुत ही अलग सा वर्ड जो है उन्होंने दिखाया है 2540 का, एक भयानक संसार उन्होंने दिखाया है। तो ये भी जो है एक डायस्टोपियन नॉवेल है। फिर एक जॉर्ज ऑरवेल्स का आता है 1984, इज़ ए डायस्टोपियन नॉवेल अबाउट ए कोर्सिव इम्पोवेरिस्ट टोटलेरियन सोसाइटी। उसमें कैसे सोसाइटी दिखाई गई है, उसमें एक ऐसी सोसाइटी दिखाई गई है जो कोएरेसिव है, यानी कि जो अपनी ताकत का प्रयोग करती है, इम्पोवरिस्ट है, जिसने कि लोगों को गरीब बना दिया है, और टोटलिटेरियन है, यानी कि जिसका जो अपना एक छत्र राज्य जो मानते हैं, कंडीशनिंग इट्स पॉपुलेशन थ्रू प्रोपगेंडा, और जो है उन्होंने इसी तरह से अपनी पॉपुलेशन को जो है गरीब बना दिया है, उस पर वो एक छत्र राज्य कर रहे हैं और उस पर वो अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक नॉवेल है। फिर आता है एक मार्गरेट एटवुड का द हैंडमेड्स टेल, डिस्क्राइब ए फ्यूचर, और ये एक ऐसे फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है नॉर्थ अमेरिका गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल, नॉर्थ अमेरिका के एक ऐसे फ्यूचर को बताता है जहाँ पर कि जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स होंगे वो गवर्न करेंगे, विच ओनली द प्रिविलेज्ड डेयर डिफाई, और उनको मना करना केवल कुछ लोगों के ही हाथों में होगा जो कि प्रिविलेज्ड होंगे, यानी कि जो बहुत ही जो है अमीर होंगे एक तरह से, जो बड़े लोग होंगे जिनके पास सत्ता होगी, जिनके पास ताकत होगी, केवल वही उसको डिफाई कर पाएंगे, बाकी सब जो लोग होंगे नॉर्थ अमेरिका के उनको जो रिलीजियस रूल है उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये जो है मार्गरेट एटवुड ने अपने नॉवेल हैंडमेड्स टेल में दिखाया है। तो ये कुछ डायस्टोपियन नॉवेल थे। तो डायस्टोपियन नॉवेल जो है हमें पता चल गया है कि ऐसा वर्ल्ड उसमें दिखाया जाता है जो बिल्कुल भयावह है, एक नाइटमेयर की तरह है, जिसमें कुछ भी सही नहीं है, लॉ और ऑर्डर नहीं है, सब अपनी मर्जी से चलाते हैं, जो जिनके पास पावर होती है वही जो है अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड को चलाते हैं, तो वो डायस्टोपियन है। अब हम देखते हैं यूटोपियन क्या है। यूटोपिया इज़ ए फिक्शनल टाउन और सोसाइटी विद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। यूटोपिया भी एक फिक्शनल टाउन है या फिक्शनल सोसाइटी है, लेकिन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, आइडियलाइज्ड है वो। इट इज़ ए लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी। ये एक लिटरेरी मोटिव है किसका, स्पेशली साइंस फिक्शन का या फिर फैंटेसी का। रेफर्स टू एन आइडियल और प्लेस इन विच ऑल एस्पेक्ट्स आर परफेक्ट। ये रेफर्स करता है एक आइडियल को, एक आइडियल प्लेस को, एक अच्छे प्लेस को जहाँ पर कि सब कुछ परफेक्ट है। एक परफेक्ट सोसाइटी दिखाता है हमें यूटोपियन जो नॉवेल है, उनमें परफेक्ट सोसाइटी दिखाई जाएगी। सर थॉमस मोर क्रिएटेड द यूटोपियन कंसेप्ट इन 1516। थॉमस मोर जो रहे हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था यूटोपिया 1560 में, 1516 में ही जो है उन्होंने यूटोपियन कंसेप्ट को क्रिएट किया था। ही रोट द बुक यूटोपिया, उन्होंने यूटोपिया नाम की एक बुक लिखी थी।
ही क्रिएटेड ए फिक्शनल आइलैंड डेट हैड द क्वालिटीज ऑफ परफेक्शन। उन्होंने जो है एक आइलैंड, एक फिक्शनल आइलैंड को क्रिएट किया था जिसमें की परफेक्शन की क्वालिटी थी, जो बिल्कुल परफेक्ट था, जिसमें हर चीज़ परफेक्ट थी। आफ्टर दिस मैनी राइटर्स एंड फिलोसफर्स हैव ट्राइड टू क्रिएट ए यूटोपियन सोसाइटी। और इसके बाद भी जो है बहुत से राइटर्स और बहुत से फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने एक यूटोपियन सोसाइटी को क्रिएट करने की कोशिश की है। न्यू अटलांटिस 1627 में ये आई थी, सर फ्रांसिस बैकन ने ये लिखा था। द सिटी ऑफ द सन 1623 में थॉमस कैंपेनेबल ने ये लिखा था। तो मतलब बहुत से जो उसके बाद में भी हुए हैं जिन्होंने यूटोपियन नॉवल लिखने की कोशिश की है। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं यूटोपियन नॉवल के। ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योग्राफिक रीजन, यानी कि जो ज्योग्राफिक रीजन है, जो यानी कि जिसके सोसाइटी के बारे में वो हमें बता रहे हैं, जिस वर्ल्ड के हमारे बारे में वो हमें बता रहे हैं, उसका जो ज्योग्राफी है वो उसके बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। उसकी क्या ज्योग्राफी है, किस तरह के वहाँ पर जो है फूल होते हैं, किस तरह के वहाँ पर मौसम होता है, वो सब भी वो डिस्क्राइब करते हैं यूटोपियन नॉवल में। द नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ एन आउटसाइडर टू द यूटोपियन सोसाइटी। और जो नैरेटर होता है या जो प्रोटैगनिस्ट है वो बाहर का होता है, वो उस यूटोपियन सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, वो बल्कि एक आउटसाइडर होता है जो कि यूटोपियन सोसाइटी में आता है या फिर इस यूटोपियन सोसाइटी को देखता है और फिर इस यूटोपियन सोसाइटी की जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको बताता है। और जो टाइप्स ऑफ यूटोपियन नॉवल आप कह देख सकते हैं, इकोनॉमिक यूटोपिया जिसमें जो है इकोनॉमिकली दिखाया एक वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जिसमें इकोनॉमिकली सब कुछ परफेक्ट है। रिलीजियस यूटोपिया जिसमें रिलीजियस को दिखाया है, परफेक्ट रिलीजन जिसमें दिखाया है। साइंटिफिक यूटोपिया जिसमें परफेक्ट साइंस दिखाई गई है। और टेक्नोलॉजी यूटोपिया जिसमें टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। तो ये जो है यूटोपिया के कुछ टाइप्स हैं। अब देख लेते हैं कुछ नॉवेल्स जो यूटोपियन भी है, डायस्टोपियन भी है। जैसे यूटोपिया सर थॉमस मोर ने लिखा था, द रिपब्लिक प्लेटो ने, द हिस्ट्री ऑफ रैसेल्स ये सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, द कंट्री एडजेसेंट सारा स्कॉट ने, ए क्रिस्टल एज डब्ल्यू एच हडसन ने, लुकिंग बैकवर्ड एडवर्ड बेलोमी ने, इक्वेलिटी ये भी एडवर्ड बेलोमी ने लिखी थी, न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर ये विलियम मॉरिस ने लिखी थी, ए मॉडर्न यूटोपिया एच जी वेल्स ने लिखी थी, मैन लाइक गॉड्स ये भी एच जी वेल्स ने लिखी थी। तो ये कुछ यूटोपियन नॉवेल्स हैं, इनमें से एक दो डायस्टोपियन भी हो सकता है जैसे न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर। तो ये कुछ यूटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल्स थे।